हादसों के मामलों में उत्तराखंड के ऋषिकेश से दो और हादसों के मामले शामिल हो गए हैं, जिसमें कुल तीन लोगों की मौत हो गई। पहला मामला ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर और चंबा के बीच आमसेरा के पास का है, जहां चंबा से ऋषिकेश जाते समय एक स्कूटी अचानक फिसल गई। इस दौरान हादसे में स्कूटी सवार पिता और बेटे की मौत हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह करीब 7:45 बजे की है। चंबा से ऋषिकेश की तरफ जा रही स्कूटी आमसेरा के पास पहुंचते ही सड़क पर फिसल कर पलट गई। हादसे में हाड़म गांव के निवासी रमेश दत्त कोठारी और उनके बेटे विकास कोठारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके शवों को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरा हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नीरगड्डू के पास हुआ, जहां एक ट्रक ने ऋषिकेश की ओर आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडौला खाल में तैनात बाइक सवार एक महिला डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, जहां महिला डॉक्टर की उपचार के दौरान ही मौत हो गई। मुनी की रेती थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि एम्स में उपचार के दौरान देहरादून जिले के अजबपुर खुर्द के HNB कॉलोनी की निवासी डॉक्टर आरती की मौत हो गई। वहीं बाइक चालक राकेश का एम्स में उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।